पूरी दुनिया में बहुत ही अधिक है और आज इस समाज में सबसे ज्यादा चिकित्सक और शिक्षक ही पूजे जाते हैं। इसलिए एक शिक्षक और चिकित्सक होने के नाते सभी को गर्व होता है। लेकिन आज इस अवसर पर मैं ये कहूँगा कि हम लोग महिला और पुरुष दो हैं, लेकिन एक महिला होने पर भी आप सभी को, हम सभी को गर्व होना चाहिए कि आप महिला हो। इसलिए आप सभी महिलाएं देखो, घर में माताओं को देखो, बहनों को देखो, आप लोग, हम लोग भी स्कूल कॉलेज चलाते हैं, हमारे स्कूल में बहुत सारे महिला शिक्षक काम करते हैं। कितना वो मेहनती होती है, कितना वो कर्मठ होती है कि अपने घर में खाना बनाकर, बच्चों को देखकर, बच्चों को बिल्कुल सारी स्कूल भेजकर, और फिर अपने जॉब में भी चली जाती है, चाहे कोई वकालत करते हो, चाहे कोई रोजी रोजगार करते हो, चाहे कोई डॉक्टर ही हो, तो नहीं, बच्चे तो सभी के हैं ना, अपने बच्चों का देखभाल करने के बाद फिर वो अपनी जॉब में भी जाते हैं, वहाँ भी चाहे बैंक में बैंक कर्मी हो या किसी फील्ड में काम करते हो, तो कहीं ना कहीं कितनी बड़ी बात है कि अपने घर के काम को संभाल कर वो इतना दायित्व को संभाल लेते हैं। तो सचमुच भी आप सभी को महिला होने के नाते आप सभी को हमेशा गर्व महसूस करना चाहिए। और इस अवसर पर खासकर महिला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को है, आज उसके पूर्व संध्या पे कार्यक्रम है, तो निश्चित रूप से आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर से हमारी नूतन जी और ये फाउंडेशन, जैसा मैं देख रहा हूँ लिखा है महिलाओं द्वारा महिलाओं के लिए समर्पित व संचालित संस्था, ये बहुत बड़ी बात है, महिलाओं के द्वारा और महिलाओं के लिए समर्पित संस्था। अभी ठीक ही कह रही थी कि महिला इस समाज को जगा रही है, आप लोग सब मिलकर समाज की महिलाओं को जगाना है। बिल्कुल आप सही कह रही थी कि कहीं ना कहीं महिलाओं को उनके अधिकार के प्रति, उनके कहता है उनको जागरूक करना बहुत जरूरी है। अभी आपने इतना सुंदर नाटक की प्रस्तुति की, इस नाटक में जितने भी महिलाओं ने भाग लिया, मैं अपनी ओर से, मॉडर्न ग्रुप की ओर से इन्हें बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देना चाहता हूँ। कितना सुंदर नाटक आप लोगों ने किया, एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश आप लोगों ने किया है। तो निश्चित रूप से इस कहता है यहाँ पे जो ये संस्था है और आप सभी मिलकर इतना समय दे रहे हो, मुझे पता है कि आपको अब शाम हो रहा है, अभी आपको लग रहा होगा मुझे घर जाना है, बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, क्या क्या दिमाग में चल रहा होगा, ये तो सबको समझने की बात है। और आप लोग फिर भी इतना समय निकाल कर आप लोग बैठे हैं और नूतन जी के साथ है, जितने भी से कहता है आपका जो ट्रस्ट है उसमें इतने मेंबर हैं या फिर आप अतिथि के रूप में आए हुए हैं, तो बहुत बड़ी बात है कि इतना समय निकाल कर, इतना दायित्व को संभाल कर इतना समय आप देते हैं, और इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतना मेहनत करते हो। महिलाएं तो मेहनती होती ही हैं, हम पुरुषों की तुलना में कहीं ना कहीं आप ज्यादा मेहनती होते हो, और अगर पुरुष महिला की तुलना की जाए तो आप कहते हैं पुरुषों की तुलना में ज्यादा महान हो और महान रहोगे, आप समाज में पूजे जाते हो और समाज में आपकी पूजा होती है। हम लोग तो स्कूल में सुनते रहते हैं, आर्मी वाले हमारे ड्यूटी करते हैं ना, तो उनको पिताजी डेथ कर गए छुट्टी नहीं मिलती है, माताजी डेथ कर गए अगर छुट्टी मिल जाती है। तो इससे हमारा देश में, खासकर भारत जैसे देश में, हम महिलाओं को, हमारी वो संस्कृति है, हमारा धर्म है, हम अपनी महिलाओं को, माताओं को, बहनों को हमेशा पूजते हैं और पूजते रहेंगे, और हमारा समाज की रीढ़ हमारी महिलाएं हैं। इसलिए आप सभी हमेशा इस मामले में गौरवान्वित महसूस करो। और बिल्कुल इस तरह से एक बात मैं कहना चाहूँगा कि आप समाज में अभी महिलाएं हमारी बहुत सारी कहीं ना कहीं वंचित है, वो नहीं अपने अधिकार को समझती, वो जागरूक नहीं है, कहीं ना कहीं महिलाएं हमारी बहुत प्रताड़ित की जाती है। हम लोग गांव में इन चीजों को ज्यादा देखते हैं, शहरों में भी देखते रहते हैं, बराबर न्यूज में ऐसा आते रहता है। तो हमें महिलाओं को अधिक से अधिक जगाने की जरूरत है, उनके करीब जाने की जरूरत है, और जो महिलाएं आगे बढ़े हो उसे जगाओ। दूसरी बात, एक बात यहाँ पे थोड़ी कभी कभी ये देखने को मिलता है कि महिलाएं कहीं कहीं महिलाओं को प्रताड़ित करती है, ये काम नहीं होना चाहिए। थोड़ी मैं अपनी बहनों से कहना चाहता हूँ कि आप थोड़ी महिला हो, आपके दिल में हमेशा दर्द हो एक लड़की के प्रति, एक महिला के प्रति। शादी विवाह होता है, लड़की देखने लोग जाते हैं, सबसे पहले महिला ही छाटती है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये गलत है। थोड़ी ठीक है, देखना तो चाहिए, लेकिन कम से कम हर पुरुषों की तुलना में आप महिलाओं के अंदर ज्यादा दर्द होना चाहिए अपने समाज के प्रति, अपनी महिलाओं के प्रति। निश्चित रूप से आप सभी पढ़े लिखे बैठे हैं, आप सभी जागरूक महिलाएं हैं, आप सभी पर हमें भी नवाज